teachers, we promise that we will take part in rolling trophy competitions, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to the true spirit. पहले तो ये आज का जो एक्टिविटी है वो एलजी साहब की एक ट्रॉफी है, रोलिंग ट्रॉफी, जो क्रिकेट के बारे में आप इस बात शुरू हो रहा है, उसका कप अनवील किया गया है और इसमें 38,000 बच्चों ने खेला है और अब ये मैचेस होंगे और अंत में हम लोग इन मैचेस से हमें बेस्ट टीम्स का पता लगेगा और जो बच्चे हैं उनको एक मौका मिलेगा खेल पाने का, आगे बढ़ने का. The purpose is not to produce only champions. We'll produce some champions, but what we want that everybody should play, every single individual, whether is young, senior person or a child, everybody should play. The objective is that जब लोग खेलते हैं, तो it gives you energy and gives you lot of enthusiasm about your life. So it's a very great learning process. तो हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग खेलें और what I would like to say that इस वक्त सभी जिलों में फ्लडलिट स्टेडियम भी बन गया, 57 है हमारे 20 जिले हैं, तो सब जगह फ्लडलिट स्टेडियम है, सभी पंचायतों में मैदान बना दिए गए हैं और बहुत लोग खेल रहे हैं. आज से 3 साल पहले सिर्फ 3 लाख लोग खेलते थे एक साल में और आज इस बार मिनिमम 35 लाख खेलेंगे. 12 times इंक्रीज हुआ है 3 ईयर्स में एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर हम लोग इसी स्पीड पर बढ़ेंगे तो आई एम होपिंग डेट 70 लाख पीपल विद प्लेन्स. एंड वॉट वी वॉन्ट कि वेदर यू आर अ सीनियर पर्सन एज 60+ और यू आर 18 to 35 or you are between 5 and whatever the 18, everyone should play and playing is a part of your life. Sir, so that is one objective. Sir, drug pe aa raha hu main. Drug ki problem ke bare mein badh gaya main ye nahi bol raha hu. Hum log drug ke bare mein isko bahut seriously le rahe hain aur hum ummeed rakhte hain ki hum log bahut sari events kar rahe hain jisme ye keh rahe hain ki kyunki jo drug leta hai वो खुद तो बर्बाद होता है, साथ में फैमिली भी बर्बाद होती है. तो ड्रग के बात को पर्दे के अंदर छुपा के रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सीधे हमें लोगों की मदद करनी पड़ेगी. तो मकसद यह है कि इन स्पोर्ट्स के माध्यम से लोगों को ड्रग की आदत से भी बाहर निकालें ताकि उनको मदद हो सके जो उनको मदद की ज़रूरत है.